Am I live? Okay. Good evening, all of you. Good evening. Very warm. Good evening, all of you. क्या क्या बेटा? Okay. Good evening, all of you. Good evening. Very warm. Good evening, all of you. Okay, sir. Please calm down. क्या बेटा? Yes. कि मुझे मेरा live नहीं दिख रहा था. That's why. मुझे कोई बच्चा link share कर दे थोड़ी देर के लिए. हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है. ओके 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 ओके. गुड इवनिंग ज्योति, आयुषी, मानसी, आमिर, लीजा, नीट एस्पायरेंट, सक्षा, मानसी वर्मा, अंजलि चौहान, मनोज सिंह, शिवम वर्मा एंड शुभांशी, शुहानी, मानसी. ऑल राइट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. बच्चों, ये आपका मॉर्निंग शेड्यूल चल रहा है. मॉर्निंग में आप क्लासेस ले सकते हैं, एडुकेटर आपके लिए पढ़ा रहे हैं, टॉप एडुकेटर. और ये शिखर बैच इवनिंग में चल रहा है, जहाँ पर 9 PM पर मैं आप क्लास ले रहा हूँ, टॉप एडुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं. यू कैन फॉलो दिस शेड्यूल. ऑल राइट, चलिए. ओके, चलिए बेटा शुरू करते हैं. शिवम, शानिया, हेलो, जुबैरिया, इकबाल, साक्षी, राइट किड, बहुत बढ़िया. चलिए, जितने बच्चे आ गए बेटा, अटेंडेंस लगाएं, अपना लाइक बटन को हिट करिए, लाइक बटन को हिट करिए, अटेंडेंस लगाइए जोरदार. हेलो संजीवी, शानिया, लेट्स स्टार्ट बेटा. स्टार्ट हम करने जा रहे हैं बेटा, पर अटेंडेंस लगाइए जोरदार तरीके से. ऑल राइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए जी बच्चों, आप तो मुझे बचपन से जानते ही हैं बेटा. वेरी गुड, मेरा नाम आपको सामने दिख रहा है, मैं क्या हूँ, मैं MBBS हूँ, ये भी आपको दिख रहा है. मैंने 2 बार NEET UG क्रैक किया है. मैं कोटा के डिफरेंट इंस्टीट्यूटों में एज एक्स फैकल्टी, मतलब बी एक्स फैकल्टी, एज ए फैकल्टी काम किया है. ऑल राइट, और कोटा के बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मेंटोर किया है. ऑल राइट, चलिए. मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और कोटा के अंदर सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी हूँ. कोड है बेटा अपना Patel 10. इस Patel 10 कोड से जब भी आप अनअकैडमी पर प्लस या आईकॉन निकलें, मैं प्लस के अंदर बैच में पढ़ाता हूँ. वो बैच है मेरा मेडिको बैच, जिन बच्चों को नहीं पता है. इस मेडिको बैच में मैं आपको दिख रहा हूँ, ये ऋतु रत्तेवाल मैम है, ये मैं हूँ, ये मनीष सर हैं, ये गुरु सर हैं और ये अनुराग सर हैं. राइट, तो यहाँ फैकल्टी टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाती हैं. ऑल राइट, यस, वेरी गुड. सक्षम, आप कोटा आ गए हैं, बहुत बढ़िया. और आज हमारी बेटा स्पेशल क्लास भी है. यदि आपको नहीं पता है, इस क्लास के बाद हमारी क्लास है 10:30 PM पर, स्पेशल क्लास भी है हमारी, जहां पर हम इसके इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. मतलब आज आपको बताएंगे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वहां पर पढ़ाएंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है. ठीक है, इसी का कंटिन्यूशन रहेगा. तो इस क्लास के बाद आपको 10:30 पर स्पेशल क्लास में आना है. राइट, वो कहाँ है, वो आपको मेरी प्रोफाइल पर दिख जाएगी. मेरी प्रोफाइल कहाँ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डॉक्टर रमन पटेल अनअकैडमी प्रोफाइल, उसको फॉलो करिए. प्लस का फीस है मात्र कोड लगाने पर 34,500, और इजिली आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं. और अभी नीट के रिजल्ट के बाद अच्छा खासा ऑफर आने वाला है आपके लिए, और आपको फीस कम हो जाएगी. ओके, सेम कोड Patel 10 लगा के आप आइकॉनिक ज्वाइन कर सकते हैं. प्लस ये आइकॉनिक में पढ़ने का अपना ही मजा है, अपना ही कॉन्फिडेंस है. चलिए जोरदार लाइक ठोकिए. और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, चलिए, तो हम आज पढ़ाएंगे आपको यूरिन फॉर्मेशन, PCT, DCT, हेनले लूप, ये सब की हमने आपको फंक्शनिंग पढ़ा दी है. आज उसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, ये पढ़ेंगे. ये सब आपको रिवाइज, मतलब ये हम आपको सब पढ़ा चुके हैं लास्ट लेक्चर में. राइट, रिवाइज कराएं आपको 5 मिनट. आपको कल क्या पढ़ाया था, उसको रिवाइज कराएं जल्दी जल्दी, या आगे बढ़ें, जल्दी बताओ जल्दी. सर आपका डिनर हुआ, नहीं हुआ भाई, सब देखो ये रखा सामने, रखा है डिनर, नहीं हुआ है, टाइम नहीं मिल रहा है.
चलिए आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा देते हैं। कल हमने आपको क्या पढ़ाया? कल हमने पढ़ाया बेटा आपको टोटल नेफ्रॉन, हमने पढ़ाया नेफ्रॉन में रीनल कार्पल्स पढ़ाया, ट्यूबुलर पोर्शन पढ़ाया, रीनल कार्पल्स मैंने पढ़ाया कि ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, अफेरेंट आर्टरी और एफरेंट आर्टरी और बोमेन कैप्सूल होता है, और ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मिलकर के बनाते हैं आपकी मेलपिगियन कार्पल्स या रीनल कार्पल्स या मेलपिगियन बॉडी। फिर मैंने आपको बताया ट्यूबुलर पोर्शन में पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, हेनले लूप होता है। हेनले लूप जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग लिंब, हेयर पेन बेंड और असेंडिंग लिंब। डिसेंडिंग लिंब जो होता है उसमें थिक पार्ट होता है, थिन पार्ट होता है। असेंडिंग लिंब में भी थिन पार्ट होता है, थिक पार्ट होता है। सबका डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, नहीं दिखाया जल्दी फटाफट देख लो। फिर मैं आपको नेफ्रॉन बताया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, मेडुलरी जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का हेनले लूप छोटा होता है और कॉर्टेक्स तक रहता है या फिर आउटर मेडुला तक आता है छोटा सा, लेकिन जस्टा मेडुलरी जो होता है उसका जो नेफ्रॉन होता है वो इनर मेडुला तक जाता है, मोस्टली पार्ट उसका आउटर और इनर मेडुला के अंदर रहता है, और ये हमारी बॉडी में लेस पाए जाते हैं, ये हमारी बॉडी में ज्यादा पाए जाते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये फिल्ट्रेशन के लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए, ये भी यूरिन फॉर्मेशन के लिए, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए होते हैं जस्टा मेडुलरी। ऑल राइट, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि बेटा ये एफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज्यादा होता है, एफरेंट का डायमीटर कम होता है, क्यों होता है उसको आज बताऊंगा, उसको अभी बताऊंगा कि वो यूरिन फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है। ऑल राइट, चलिए, और मैं आपको एपिथीलियम वगैरह सबकी बता चुका हूँ। फिर मैंने आपको बताया जे जी अपेरेटस मैंने आपको बताया बेटा अफरेंट आर्ट्रियल जो होता है उसकी कुछ सेल जो होती है अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, वो सेल जे जी सेल कहलाती हैं, और डी सी टी कुछ सेल मैकुला डेंसा सेल होती है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, मैकुला डेंसा कहलाती हैं। तो एक 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 ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ पर अफेरेंट आर्ट्रियल और डी सी टी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती हैं, और जहाँ कॉन्टेक्ट में आती हैं उस पूरे स्ट्रक्चर को अपन जे जी अपेरेटस बोल देते हैं। यहाँ पर जे जी सेल्स जो होती है वो रहने निकालेगी, उसका अपन आगे काम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं एस्ट्राग्लियम मेजेंजियल सेल होती हैं, कुछ सेल होती हैं जो कि अंदर ग्लोमेरुलस कैपिलरी के बीच में होती है, उनको ग्लोमेरुलर मेजेंजियल सेल कहते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी रखती हैं। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, चलिए अब क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, आपको लास्ट टाइम रिवाइज करा चुके हैं। अब हम आपको यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वासा रेक्टा क्या होता है, पेरिटेबुलर कैपिलरी क्या होता है, ये सब हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो लिखिए सबसे पहले यूरिन के फॉर्मेशन से पहले आप लिखिए वासा रेक्टा, लिखिएगा बच्चों वासा रेक्टा। तो लिखिए दिस इज रेक्टा, रेक्टा मतलब होता है बेटा नेटवर्क जाल, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज अराइजेज फ्रॉम, आई कहां से, ये आती है बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल से, एफरेंट आर्ट्रियोल से ही बनता है आपका वैसा रेक्टा, एफरेंट आर्ट्रियोल। बात आया समझ में, वेरी गुड। सर इज एमबीबीएस अब्रॉड इज गुड, बेटा यदि आपके बहुत ड्रॉप लग चुके हैं तो ही अब्रॉड जाओ, अदरवाइज यहाँ थोड़ी मेहनत करो, और अब्रॉड जाते हो तो ज्यादा मेहनत करना, ठीक है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ एमबीबीएस में 2020 बैच के बाद, 2020 तो मैंने आपको लास्ट बता दिया, 2020 बैच के बाद एमबीबीएस में बहुत ज्यादा मारामारी हो जाएगी। मतलब ये है कि वही डिजर्व करेगा जिसने बहुत ज्यादा मेहनत करी हो, एमबीबीएस को ढंग से पढ़ा हो, क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम लगने वाला है, यदि आपको नहीं पता, बैच 2018 से, और 18 से नहीं लगा तो बैच 2019 से नेक्स्ट एग्जाम 100% अप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। हाँ, और नेक्स्ट एग्जाम क्या होता है बताता हूं मैं आपको थोड़ी देर में। चलिए लिखिए आप इसको पहले वासा रेक्टा को, और वासा रेक्टा फ्लो इन वासा रेक्टा, फ्लो इन वासा रेक्टा सबसे टफ हो जाएगा, फिर डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फ्लो इन वासा रेक्टा इज काउंटर, यहां पर कह सकते हैं अपोजिट टू हेनले लूप, हेनले लूप लिंब। भाई क्या है कि अभी तक तो क्या होता था, कोई बाहर से एमबीबीएस करके आ गया, कोई चाइना से करके आ गया, कोई प्राइवेट कॉलेज से करके आ गया, ठीक है, तो एमबीबीएस कर रहे हैं और बढ़िया प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि अब सबको एग्जाम देना पड़ेगा,
चाहे आप प्राइवेट से MBBS करके आए, चाहे आप फॉरेन से करके आए, चाहे आप गवर्नमेंट से करके आए, सबको फाइनल ईयर के बाद, अभी तो नहीं, दो साल के बाद ये एग्जाम शुरू हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल के बाद ये शुरू हो जाएगा। जैसे आपने MBBS किया, आपने फाइनल ईयर किया, तो फिर आप टेस्ट को देंगे, और यदि आपने उस टेस्ट को पास किया, नेक्स्ट एग्जाम 1 और नेक्स्ट एग्जाम 2, दो पार्ट होंगे उसके। नेक्स्ट 1 को आपने पास किया तो आप इंटर्नशिप में जाएंगे, मतलब आप ऑफिशियल डॉक्टर हैं, आपको इंटर्न करनी पड़ेगी, और जब आपकी इंटर्न हो जाएगी तब आप नेक्स्ट 2 देंगे, और तब जाके आपको आगे प्रैक्टिस अलाउड करेंगे या आपको प्रॉपर जो है PG में बैठने देंगे, ठीक है ना। तो ये वैसे PG का एग्जाम आपका वही माना जाता है जो नेक्स्ट 1 है, नेक्स्ट 1 ही PG का एग्जाम है, नेक्स्ट 1 ही PG का एग्जाम कंसिडर किया जाएगा, उसी से आपको PG मिल जाएगा। FMG अभी भी होगा, और जो बाहर से जो लड़के आ रहे हैं पास MBBS करके, उनको अभी FMG देना पड़ता है, और उनको 1 साल यहाँ पर इंटर्न करनी पड़ती है, ठीक है, अलग से, वो वहाँ भी करके आते हैं यहाँ भी करते हैं। हेलो उत्कर्ष, हाउ आर यू, ठीक है। अभी ये शुरू नहीं हुआ है, ये 2 साल के बाद शुरू होगा, ठीक है ना, अभी नहीं है, 2 साल के बाद। ठीक है, तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हेलो माही, हाउ आर यू, शरा, अंजलि, जो तुम नए बैच के बच्चे हो ना, अभी MCI खत्म हो चुका है, NMC है, नेशनल मेडिकल काउंसलिंग, ठीक है ना। शबना, नम्रता, यस, तो तुम्हारे लिए दिक्कत है, हम तो बहुत पुराने बैच के हैं, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, जो नए नए बैच हैं 18, 19, 20, उनके लिए दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए, नोट कर लिया, वेरी गुड। अब पढ़ते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हेडिंग लगाइए यूरिन फॉर्मेशन। हाँ जी, यूरिन फॉर्मेशन, बेटा यूरिन फॉर्मेशन को आप समझना चाहते हैं, डेफिनेटली आप समझना चाहते हैं, और आपको स्टेप भी पता होता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है आप उन स्टेप को कभी समझ नहीं पाते एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो 3 स्टेप में होता है, अकर इन 3 स्टेप्स, और ये 3 स्टेप आपको ऐसे याद रखने हैं, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, ठीक है ना। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, यदि आपने इनको उल्टा पुल्टा लिखा तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे, सबसे पहले होता है बेटा आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये क्या होता है समझाएंगे, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है, और सीक्रेशन क्या होता है, दोनों पे बच्चे बड़ी गलत करते हैं। फिर होता है आपका ट्यूबुलर सीक्रेशन, तो याद रखना इसी स्टेप में आपको फॉलो करना है, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन को FAS से याद रख लो, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, ठीक है। अब समझ लेना बेटा मेरी बात को, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, जो वापस अपन रीअब्जर्व करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, इनका मतलब क्या होता है, बच्चा इनको पढ़ तो लेता है और पढ़ भी लेता है, लेकिन फील नहीं कर पाता कि रीअब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली कहां से कहां जा रहा है, ये नहीं पता। इसको बेटा समझने के लिए हमें 2 बातें समझनी पड़ेंगी, हेनले लूप समझना पड़ेगा और आपको वासा रेक्टा समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं बहुत जोर से आज नहीं चिल्ला पाऊंगा, मेरे खुद के इंजेक्शन लगा हुआ है सर में, ठीक है, तो टाइम सर उनका था, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है होने को, तो बट मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे हाइपरट्रॉफी स्कार, ओके, आई मेट एन एक्सीडेंट है ना ड्यूरिंग कोविड टाइम, when I come into my flat, okay, from my COVID duty, night, okay, तो लगभग 6 महीने पहले की बात है, अप्रैल की बात है, तो उस टाइम गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी, रात का टाइम था, और अचानक जो है काली बिल्ली टकराई और मैं खतरनाक तरीके से गिर गया, तो मेरे जो है सर में चोट लग गई, सर में नहीं लगी लेकिन फोरहेड पे लग गई, ठीक है।
तो उस टाइम सूचर वूचर लगे तो हाइपरट्रॉफिक स्कार बन गया, उसको मिटाने के लिए इसमें इंजेक्शन लगा के आया मैं, तो मुझे काफ़ी दिक्कत कर रहा है, तो मैं ज़्यादा नहीं चिल्ला पाऊंगा, प्लीज़ आप लिख लें थोड़ा सा, है ना, अगेन अगेन नहीं बोल पाऊंगा बेटा, ठीक है। चलो ये आपने समझा, अब इसका रियल मतलब क्या होता है, रियल में मतलब अब आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है बेटा। रीऑब्जर्प्शन क्या प्रोसेस होता है, वेरी गुड, ये मेरा क्या है, ट्यूब्यूल पार्ट है, मान लीजिए मेरा पीसीजी है, राइट। तो बेटा पीसीजी में से कुछ निकल के ब्लड में जा रहा है, ये क्या है बेटा, मेरा वासा रेक्टा है। अभी यही बात समझनी है बस, और कुछ नहीं समझना, के ट्यूब्यूल में से निकलेगा वासा रेक्टा में जाएगा, या वासा रेक्टा में से वापस ट्यूब्यूल में आएगा, दो ही चीजें दिमाग में बिठानी है भाई। यहां से फिल्ट्रेट हो गया है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखाऊंगा मैं आपको, ट्यूब्यूल में से निकला और कहां चला गया, ट्यूब्यूल मतलब जहां यूरिन बन रहा है, उसमें से कुछ चीजें वापस ब्लड में चली गई, उसे कहते हैं रीऑब्जर्प्शन। और कुछ चीजें हैं जो ब्लड में से अभी आई नहीं है, तो उनको ब्लड में से वापस बुलाना है, दिस इज कॉल्ड सीक्रेशन। अब आप समझ गए, सीक्रेशन का मतलब ब्लड में से कुछ आयंस निकल के ट्यूब्यूल में आएंगे, यूरिन में आएंगे, और रीऑब्जर्प्शन का मतलब कुछ आयन यूरिन में से निकल के पीसीटी में से निकल के ट्यूब्यूल में से निकल के वापस ब्लड में जाएंगे। ये दो बातें यदि आपको क्लियर हैं तो आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे बेटा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यही दो लाइनें हैं जो कभी समझ में नहीं आया करती थी, कि रीऑब्जर्प्शन हो रहा है तो सर कहाँ हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, नहीं पल्ले पड़ रहा है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट, क्लियर है बेटा। चश्मा नया है, बिल्कुल नया है, ठीक है, बात समझ आ गया आपको, वेरी गुड। तो हम जो बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन या ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन, अब उनको एक एक को बेटा यहां पर लिख लो, ठीक है। चलो अब एक एक को लिख लेते हैं, यहां पर जितने नए बच्चे हैं बेटा जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है, अटेंडेंस लगा लीजिए, लाइक बटन को बेटा दबा लीजिए, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं अटेंडेंस नहीं लगाया है, बेटा क्लास में आते ही अटेंडेंस लगा लिया करो, ठीक है। चलो अब एक एक को पढ़ेंगे, ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, सब पढ़ेंगे बेटा, एक एक को लिखाएंगे ना आपको। चलिए हेडिंग लगाइए, अब हेडिंग लगाइए बेटा, सबसे पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इस तरीके से हेडिंग लगाइए आपके नोटबुक में, बहुत जरूरी है बेटा हेडिंग लगाना, बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी गुड। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है बेटा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम मेलपीगियन बॉडी, अब मेलपीगियन बॉडी के अंदर बेटा क्या आएगा, आएगा आपका ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, दोनों का रोल होता है बेटा, बताऊंगा मैं आपको कैसे होता है, दोनों का रोल होता है, राइट राइट। पहली बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ग्लोमेरुलस एंड बोमेल कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल हैव स्लिट पोर, क्या रखते हैं बेटा, स्लिट पोर फॉर सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, भाई हर चीज को तो फिल्ट्रेट नहीं होने दिया जाता है, राइट, वेरी गुड। पोडोसाइट वगैरह मैं आपको बता चुका हूं, बिटवीन पोडोसाइट स्लिट फॉर फिल्ट्रेशन आर प्रेजेंट,
ये मैं आपको पढ़ाई चुका हूं। क्लियर है बेटा बात? वेरी क्लियर। चलिए जी, हाँ जी बोलिए, क्लास में बताइए। आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है बेटा, ओके। अब कितना ब्लड फिल्ट्रेट होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो ब्लड है वो होता है बेटा, पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है जिसको अपन कह रहे हैं कार्डिक आउटपुट, वो है 5 लीटर। तो कितना ब्लड बेटा फिल्ट्रेट किया जाता है, दोनों किडनी एक मिनट में कितना ब्लड फिल्ट्रेट करती हैं? तो लिखिएगा, यदि आपने नोट कर लिया, इट इज नोटेड, तो नोट करके आगे लिखना है बेटा अपन को 1100 to 1200 ml बोथ किडनी फिल्ट्रेट 1100 to 1200 ml ब्लड विच इज 1/5 पार्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट। ओके चलिए लिखिए इसमें आगे बेटा। देखो यदि आपको नहीं पता है, आपको नहीं याद आ रहा है, हाँ बेटा पूरा लिखिएगा, लिखो बोथ किडनी, बोथ किडनीज फिल्ट्रेट 1100 to 1200 ml ब्लड पर मिनट। ओके विच इज 1/5 पार्ट, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है बेटा, 5 लीटर यानी कि 5000 ml अप्रोक्स एवरेज डाटा बोला जाता है। बात आया समझ में सिद्धि सोनी? आवाज आ रही है बेटा? चिंकी, वैष्णवी, दीपांकर, पीयू, गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने थोड़ा विचार किया होगा कि सर फिल्ट्रेशन हो रहा है आप बोल रहे हैं, बट व्हाई इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? तो बेटा यहां आपको लिखना है मीनिंग ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आपने नाम सुना होगा लेजेंड, एक होते हैं अल्ट्रा लेजेंड, एक होते हैं माइक्रो लेजेंड, है ना, ये कॉलेज में काफी बोला जाता है ये शब्द। तो मीनिंग ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब यह है कि ये जो एपरेटस है जिसको अपन ग्लोमेरुलस मान लीजिए या जो भी मान लीजिए आप कहना चाह रहे हैं कि ग्लोमेरुलस या बोवेन कैप्सूल, जो भी आप शब्द यूज करना चाह रहे हैं कर लीजिए, वैसे मेलविगन बॉडी मानेंगे उसको, तो बोवेन कैप्सूल फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट ऑल थिंग, ओके, ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन फिल्ट्रेट नहीं करता बेटा, समझ रहे हैं मेरी बात को? सब कुछ जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है सब वो फिल्ट्रेट करता है, प्रोटीन फिल्ट्रेट नहीं करता। अब आप कहेंगे सर ग्लूकोज करता है? करता है। अमाइनो एसिड करता है, लेकिन वो वापस रीअब्जर्व हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, सम ग्लूकोज एंड सम अमाइनो एसिड्स आर comes in filtrate, but
दे आर 100%, समझना मेरी बात को, दे आर 100% रीऑब्जर्व्ड बाय पीसीटी। वो आगे नहीं जाते बेटा, वो यूरिन में बाहर नहीं आते हैं। नॉर्मल पर्सन का किडनी, नॉर्मल पर्सन का यूरिन ग्लूकोज नहीं निकालता, प्रोटीन नहीं निकालता, अमाइनो एसिड नहीं निकालता। कुछ अमाउंट में ग्लूकोज फिल्ट्रेट होता है, अमाइनो एसिड फिल्ट्रेट होता है, बट वो पीसीटी उसको वापस भेज देती है ब्लड के अंदर। तो 100% रीऑब्जर्व, रीऑब्जर्व का मतलब कि पीसीटी उसको वापस ब्लड में डाल देगी। समझ आ गई बात आपको? रीऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? रीऑब्जर्वेशन का मतलब है कि पीसीटी पकड़ेगी और कहां डालेगी? वासा रेक्टा में। वासा रेक्टा मतलब ब्लड वेसल्स में, ब्लड में चला जाएगा। और सीक्रेशन का मतलब कि ब्लड से पीसीटी के अंदर आया या डक्ट के अंदर आया, ट्यूब्यूल के अंदर आया। बात आ गया समझ में? ये गलती से पेशेंट के प्रोटीन आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है यूरिन में, तो फिर दिक्कत है, वो नॉर्मल नहीं है। फोकस्ड बायोलॉजी मिस अंसारी, सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, बट सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी एक इन्वॉल्व होता है या ओनली फीमेल? कोई भी एक, एक मेल भी प्रोजेनी बना सकता है, फीमेल भी बना सकता है, ठीक है, कोई भी बना सकता है बेटा। सर कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, सब चैटिंग में लगा है, दुख की बात है ये तो। भाई देखो बेटा क्या होता है, देखो फिर तुम कहते हो कि सर आप फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, तो बेटा फ्री में पढ़ा रहे हैं, देखो YouTube पर फ्री पढ़ा रहे हैं, डेली पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं है। पीसीटी होता है बेटा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पढ़ना तो देखो आपका ही पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा बेटा। अंकित ये मैम से पूछिए, आप क्वालिटी देख लो, आप किसी से कम नहीं मिलेगी, ओके, बहुत ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी आपको जूलॉजी की। जूलॉजी में तो बेटा आसपास नहीं है, जहाँ आप सोच रहे हैं आसपास नहीं है बेटा उसके नॉलेज में, हमारी नॉलेज में, ठीक है। तो एक बार पढ़ के देखो तुम, तुम्हें बाल की खाल पता लग जाएगा, ओके, डोंट वरी। नोट्स हिंदी में नहीं मिलेंगे बेटा, नोट्स इसी इंग्लिश में मिलेंगे, प्योर हिंदी नहीं मुझे आती है, ओके, हो गया बेटा। हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, 100% रीऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट डन, ओके। अब क्या आपने कभी सोचा कि सर ये फिल्ट्रेशन की वजह क्या है, रीजन, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लिखिए रीजन ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की वजह क्या है, कौन वजह है, कोई बताना चाहेगा? कोई बच्चा जो बताना चाहेगा कि सर ये फिल्ट्रेशन की वजह है, वेरी गुड। रीजन ऑफ फिल्ट्रेशन होता है बेटा EFP, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब सर ये क्या होता है, ये तो हमने नहीं सुना, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर किस किस बच्चे ने सुना है, कोई बताना चाहेगा? किसी ने नहीं सुना है, सुना है, राइट। ये होता है बेटा आपका GVHP, मैं सबकी फुल फॉर्म आपको एक साथ लिखा दूंगा, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसे कहते हैं जी। मैं अभी फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक साथ लिखा दूंगा आपको, तो आप चिंता नहीं करें, ठीक है ना। यस, इसमें से बेटा माइनस कर लीजिए ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और CHP, इन दोनों को माइनस कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए बेटा, माइनस कर लीजिए। क्या समझे आप, दोबारा समझिए, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, आप सभी ने नाम सुना है, जी बेटा सबने नाम सुना है, वेरी गुड।
तो ये आपका कोलाइडर हाइड्रोटिक प्रेशर है, प्रेशर है, ये ब्लड, ये बीसीओपी है और ये आपका जीवीएचपी है। अब मैं आपको इन सब की पहले आपको वैल्यू लिख देता हूँ, तो आप वैल्यू निकालना सीख जाएंगे, फिर इनकी फुल फॉर्म भी आपको मैं लिख दूंगा। तो जीवीएचपी का बेटा जो वैल्यू होता है वो होता है 60, बीसीओपी होता है बेटा अपना 32 और ये सीएचपी होता है 18। तो कितना हो गया बेटा 60 माइनस कितना हो गया लगभग 50, ये हो गया बेटा लगभग 10 mop of Hg। अब ये सब होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, इसके पीछे की लॉजिक क्या है। GVHP आया कहां से, BCOP आया कहां से, CHP कहां से आया, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। यहां तक नोट करिए, यहां तक बात समझ आई सबको, क्लियर है बात। क्लियर है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। तो आप क्या समझे, इस बात को आप समझ लीजिए, मैं आपके लिए बात समझा देता हूं कि किसका क्या रोल है, कौन कहां से आया। इट इज नोटेड, सबने नोट कर लिया। 10 एम ऑफ एच जी बेटा आपको पता होना चाहिए, क्लियर। चलो अब मैं आपको बताता हूं ये आया कहां से, समझ लीजिए बेटा। इधर स्टार लगा लीजिए कि ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आया कहां से, फुल फॉर्म लिख लो इसकी। देखो पानी में या कोई टैंकर है उसमें पानी भरा हुआ है इतना सारा, उसकी हाइट है, तो आप बनाते हैं कि पी इक्वल टू रो जी एच। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्रेशर होता है रो उसका डेंसिटी, ग्रेविटेशन, एच उसका हाइट। जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा वाटर का, आपको पता है राइट। तो वैसे ही है कि जैसे वो ग्लोमेरुलस है उसमें ब्लड आता है, तो जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, और जितना प्रेशर लगेगा वो फिल्ट्रेट करना चाहेगा। बात आ गया बेटा समझ में, क्लियर है, वेरी क्लियर, सही बात है राइट। तो लिख लो बेटा, इट प्रमोट या इट इज फैसिलेटिंग प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन को फैसिलेट करता है, चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो, लेकिन इसके चाहने से कुछ नहीं होता, इसके दुश्मन भी बैठे हैं। इसके क्या है बेटा, दुश्मन है। अब इसके दुश्मन कौन है वो समझिएगा। एक होता है बेटा बीसीओपी, ब्लड के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब पढ़ाया आपने राइट। तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, वो ब्लड को गाढ़ा रखती है, ब्लड को फिल्ट्रेट करने में दिक्कत पैदा करती हैं। तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इसका वैल्यू कितना होता है, लगभग 32 mmHg। तो ये क्या है बेटा, इट इज प्रेशर अगेंस्ट द ब्लड फिल्ट्रेशन, ओके राइट। और बीसीओपी का वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं 32 एम ऑफ एच जी। बात आया समझ में, ड्यू टू ब्लड प्रोटीन की वजह से बेटा, ये ब्लड में जो मॉलिक्यूल है ना उनकी वजह से ये प्रेशर हुआ। गेटिंग माई पॉइंट केड, समझ आ रहा बेटा, नोट्स बना रहे हैं आप साथ साथ में, बहुत बढ़िया, क्लियर, वेरी गुड बेटा। जीपीएचपी क्या कर रहा है, ऐसे पुश कर रहा है, ये ब्लड इकट्ठा हो गया, पुश कर रहा है, लेकिन ये बीसीओपी उसका उल्टा कर रहा है,
उसको फिल्ट्रेट नहीं होने दे रहा है, मतलब उसको नेगेटिव काम कर रहा है। तो 60-32 करना होगा। आगे क्या करूंगा मैं, आगे चलिए, आगे बेटा अपना CHP, ये क्या होता है सर, ये होता है कैपिलरीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, नहीं सॉरी कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वैसे ये आपका ये जो प्रेशर है एक्चुअल में बोमेन जो कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल एक्सर्ट प्रेशर अगेंस्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस, राइट। और जिसकी वैल्यू होती है बेटा 32 और 18 mO ऑफ Hg। बात आया समझ में? तो ये भी क्या है, नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर अगेंस्ट ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ आ गया। अब ये प्रेशर समझ आ गया आपको, प्रेशर समझ आ गया बेटा। जितने नए बच्चे आते जा रहे हैं सेशन को हिट करते चलिए बेटा, अटेंडेंस जरूर लगाइए, आते ही सेशन को लाइक किया करो आप पूरी एनर्जी के साथ। पूरी एनर्जी के साथ बेटा लाइक किया करो, वेरी गुड। तो बेटा आपको समझ आ गया कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि इसको बोमेन कैप्सूल लगाता है, लिख लो चाहे इसको बोमेन कैप्सूल लगाया तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वैल्यू याद होनी चाहिए, मैं रिवाइज करा रहा हूं, यदि आपको दिक्कत आ रही है मैं रिवाइज करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिल्ट्रेशन की वजह है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का मतलब है GVHP ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस CHP यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये ब्लड को फिल्ट्रेट करना चाह रहा है, लेकिन ये दो दुश्मन है इसके, ये और ये, इसकी वैल्यू 32, इसकी वैल्यू 18, 50-60-50 इसको 10 mO/Hg। ऑलराइट, चलिए GVHG क्या है समझ गए, 60 mg है ब्लड जो है उसमें कैपिलरी में ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में, उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। BCOP ब्लड की प्रोटीन की वजह से है जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प नहीं करता, उसको फिल्ट्रेशन को रेसिस्ट करता है, उसकी वैल्यू है 32 mO/Hg। CHP भी कैप्सूल है, जो कैप्सूल बना हुआ है उसका अपना प्रेशर है, वो भी नेगेटिव काम करता है, उसका 18 है। तो कुल मिला के आंसर अपना इफेक्टिव ब्लड फिल्ट्रेशन प्रेशर मात्र 10 mO/Hg निकल के आया। तो ये था आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नया शेडिंग लगाइए ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसका मैं बहुत ही साइलेंट तरीके से क्लियर कर चुका हूं, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है बेटा सबस्टेंसेस विच आर फिल्ट्रेट by mistake which are filtered by mistake now back to the vasa recta yani ki blood, right, essential या इम्पोर्टेंट सबस्टेंस है वो। जैसे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यह आपकी कोई ट्यूब्यूल है, ये कोई आपकी रीनल ट्यूब्यूल है, इसने गलती से बेटा किसको छान दिया, मान लीजिए गलती से इसने अमाइनो एसिड को फिल्ट्रेट कर दिया और ग्लूकोज को कर दिया, तो क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब किडनी में ट्यूब्यूल में नहीं आएगा, ट्यूब्यूल से निकल के वो ब्लड में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा बेटा, वो वासा रेक्टा में चला जाएगा। वासा रेक्टा कुछ भी नहीं बेटा, ब्लड ही तो है, ब्लड में चला जाएगा।
दिस इज री ऑब्जर्प्शन, उल्टा मत सोचे। मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं कि ट्यूब्यूल में आ जाएगा, नहीं ट्यूब्यूल में नहीं आना। यहाँ दो चीजें हैं, ये यूरिन और ब्लड। यूरिन नेफ्रॉन में बन रहा है, लेकिन नेफ्रॉन के पैरेलल आप देख रहे हैं वासा रेक्टा भी है, ब्लड भी है। तो कुछ चीजें हैं जो ब्लड से नेफ्रॉन में आएंगी, कुछ चीजें हैं जो नेफ्रॉन से ब्लड में जाएंगी, ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल है जो सबस्टेंस ट्यूब्यूल से निकल के ब्लड में जाएंगे। इस पिक्चर को दिमाग में क्लियर कर लेना, ये पिक्चर 99% बच्चों के दिमाग में क्लियर नहीं होती है। इससे पहले पढ़ते तो है लेकिन फील नहीं कर पाते हैं कौन कहां से गया, ये रीऑब्जर्प्शन है या ये सीक्रेशन है, ये बच्चा फील नहीं कर पाता है। अब आपको फील करना चाहिए किसका रियल मतलब क्या है। भाई जो इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड के लिए वो यूरिन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यूरिन फिल्ट्रेशन में आ गया तो उसको वापस ब्लड में आप डाल दीजिए। दैट इज रीऑब्जर्प्शन। फील आया अब आपको, अब आपको फील आया या नहीं आया ये बताइए पहले। बेटा संजय सुथार हर बुक में वेरी करता है ये डाटा, ओके डोंट वरी, तुमने किसी कोचिंग के मॉड्यूल में पढ़ लिया होगा, हर बुक में वेरी करता है। समझ आ गया बेटा, ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन नोट कर लिया आपने, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इट इज नोटेड। बेटा जितने प्यारे बच्चे हैं सौम्या संजीवनी, पढ़ने पे ध्यान दो बेटा। देखो आपकी अटेंडेंस जरूर लगनी चाहिए, आप जो कहते हैं सर यूट्यूब पर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, पढ़ा रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस जोरदार तरीके से लगाया करो। यदि आप आइकॉनिक या प्लस या कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं इकोनॉमिकली इशू की वजह से, आपके इशू हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर, तो बेटा आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है फैकल्टी के लिए कि आप उस सेशन को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे फैकल्टी का मनोबल बढ़े, उनको अच्छा लगे, तुमको पढ़ाने में अच्छा लगे। यूट्यूब पर दिक्कत क्या है तुम एक बात बताओ, क्या यूट्यूब पर पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा? हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ते कहाँ हैं, पढ़ते ही नहीं है ना, दिक्कत ही है। आप सीरियस होकर पढ़ते ही नहीं है, आज आते हैं कल नहीं आते हैं, परसों आएंगे फिर नहीं आएंगे, 10 दिन आएंगे फिर नहीं आएंगे, तो दिक्कत आपकी है, दिक्कत हमारी नहीं है, हम तो पढ़ा रहे हैं, दिक्कत है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं सिंसियरली, और इस चीज़ को आप समझ नहीं रहे हैं, इस चीज़ को आप समझ नहीं रहे हैं। प्लस में क्या है कि बड़ी स्मार्टली क्लास लगती है और बच्चे भी आते हैं, आपने फीस भी दी हुई होती है, तो आप फीस दी हुई, आपको पता है कि मुझे पढ़ना है, तो आप मेहनत करते हैं, यहाँ पढ़ते ही नहीं है यार, दिक्कत ही है। मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों? तो बेटा बहुत बच्चे हैं इस इंडिया में, आप सोचिए। देखो मैं तुम्हें कड़वी सच्चाई कहता हूँ, आई एम नॉट फेवरिंग एनी स्टूडेंट, मैं किसी स्टूडेंट को फेवर नहीं करता, मैं आपको कड़वी सच्चाई कहता हूँ। कोटा में बच्चे आते हैं, कोटा में पता है कौन बच्चे आते हैं, चाहे लॉकडाउन लगे चाहे ना लगे, चाहे कोरोना आए चाहे ना आए, जिनके पापा के पास पैसा है वो कोटा आता है, चाहे अनएकेडमी हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, वो नहीं ज्वाइन करते, वो कोटा के ऑफलाइन में ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनके पिताजी के पास तो बहुत पैसा है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, 4 लाख 5 लाख कोटा में खत्म हो जाएंगे एक साल में, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, क्योंकि उन्हें वही ऑफलाइन में पढ़ना ही पसंद है, तभी उनके पेरेंट को शांति मिलती है, ये कड़वा सच है, समझना तुम। ऐसा बच्चा कितना आता है कोटा में? मात्र 1 लाख, और नीट एस्पायरेंट कितने हैं? 18 लाख। 19 लाख बच्चा कहाँ है, या 18 लाख स्टूडेंट है कहाँ? क्यों? क्योंकि वो मिडिल क्लास का बच्चा है बेचारा, अफोर्ड नहीं कर सकता कोटा आना, राइट? और कुछ करते तो बड़ी मुश्किल से बेचारे, मेहनत करके पेरेंट्स उनको यहाँ भेजते हैं, फिर भी कई बार उनका नहीं होता, तो दोबारा हिम्मत नहीं होती उनकी कोटा आने की, ये कड़वा सच है, कड़वा सच है। अब उनमें से 5-6 लाख स्टूडेंट या 6-7 लाख स्टूडेंट कहाँ रहता है? ऑनलाइन स्टूडेंट में, अनअकैडमी या अदर स्टूडेंट में एनरोल कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये कोचिंग क्या करती है, आपको कोटा की जानी मानी फैकल्टी, टॉप फैकल्टी आपको यहाँ आपके घर पर प्रोवाइड कराती है, राइट? MBBS कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत कम है, ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि MBBS का इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है ये, MBBS डॉक्टर है वो डॉक्टरी करने के लिए बने हैं, राइट? लेकिन हम भी फिर भी डॉक्टरी के साथ साथ फिर भी आपको महत्वपूर्ण टाइम निकालते हैं अपना। आप सोचते हैं कि मैं पूरी तरीके से इस फील्ड में घुसा हुआ हूँ, डॉक्टरी छोड़ दी है, बेटा बहुत गलत फहमी है। मैं सिर्फ अनअकैडमी को डेली के 1 से 2 घंटे देता हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं देता, है ना, सिर्फ आपके लिए देता हूँ कि आपसे जुड़ाव बना रहे, आपको बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन मिलती रहे। तो जो तुम कोटा में 1.5 लाख की फीस भरते हो,
उनसे दोगुना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, मुझे पता है मेरा नॉलेज क्या है जूलॉजी का, वो बीएससी एमएससी होगा, वो एनिमल किंगडम बढ़िया पढ़ा सकता है या एवोल्यूशन बढ़िया पढ़ा सकता है जूलॉजी में, बाकी ह्यूमन को मुझसे बढ़िया नहीं पढ़ा सकता। जितना मैंने ह्यूमन पढ़ा है उसने ह्यूमन पर एक दो किताब पढ़ी होंगी, एक दो तीन मान लो, मैंने ह्यूमन पर 60 से ज़्यादा किताबें पढ़ी है एमबीबीएस के अंदर, पूरा लेवल पढ़ा है, डीप नॉलेज जो होता है। तो जब मैं क्वालिटी एजुकेशन, और मेरे जैसे बहुत एडुकेटर आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, दे रहे हैं आपको, तो बेटा आज आपकी मॉरल ड्यूटी बन जानी चाहिए सिंसियर होने की, रेगुलर क्लास में आने की, सब्सक्राइब करने की, लाइक ठोकने की, जिससे कोई टीचर सीरियस होकर आपको पढ़ा पाए। समझ रहे हैं आप इस बात को? आप कड़वी सच्चाई समझ रहे हो ना बेटा? या तो आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं या खुद को धोखा दे रहे हैं यदि आप सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हैं तो। ओके, यस, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। मैं बिल्कुल कड़वी सच्चाई कहूंगा आपसे, आपको गलत लगेगा, आपको गलत लगेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो इंसान आपके सामने बैठा है ना बेटा, कोटा की गली गली जानता हूं मैं, कोटा की जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, उसके पता नहीं कितने मास्टरों को तो मैं जानता हूं, कितनों के साथ मैंने पढ़ाया है, कितनों की सच्चाई मैं जानता हूं कि उनकी क्या औकात है, ठीक है, वो कहां तक है। कुछ है 10% जो क्रीम फैकल्टी है, 90% कचरा है, वो भी हम जानते हैं, हमें पता है उनका क्या लेवल है। उस लेवल पर यदि फैकल्टी को टॉपिक वाइज बैठाया जाए सामने तो उनको पता लग जाता है कि वो है क्या, लेकिन चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, फुल टाइम फैकल्टी है, काम भी रहता है, तो कोई मैटर नहीं है ना, वी आर जस्ट एमबीबीएस, वी हम इसमें टांग नहीं लड़ाते, हमें ज्यादा वो नहीं है, हम बस क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने बिलीव करते हैं। लेकिन आपको कड़वी सच्चाई कह रहा हूँ, कोटा की गली गलियों का पता है और बेहतरीन तरीके से पता है, जीवन का एक्सपीरियंस है कि कोटा में लाइफ क्या है, किस तरीके से बच्चे को कहाँ बेवकूफ बनाया जाता है, बच्चा कहाँ अपना एडवांटेज ले सकता है, पढ़ सकता है। तो आप ये दिमाग से निकाल दें, मैं कोटा जाऊंगा तभी मैं सिलेक्शन लूंगा, बेटा बिल्कुल गलत फहमी है, मैंने बोल दिया ना आपको, बिल्कुल गलत फहमी है। कोटा के बड़े इंस्टीट्यूट का जो टॉप फैकल्टी है जूलॉजी का, टॉप जिसको कहते हैं ना टॉप, अदर देन एमबीबीएस, वो एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस होगा तो अपने आप में क्लास होगा जूलॉजी पढ़ाने के लिए, अदर देन एमबीबीएस है ना, उसके नोट्स मिला लेना, मेरे नोट्स मिला लेना, मेरा लेक्चर देख लेना, उसके लेक्चर देख लेना, क्वालिटी पता लग जाएगा कि क्वालिटी है क्या, एक डीप नॉलेज है क्या, बस ये कहूंगा मैं आपसे। इसलिए थोड़ा सा जोश में आ जाओ, मैं आपकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी का एक्सपीरियंस किया है, मैंने कोचिंग इंडस्ट्री का पूरा ज्ञान और एक्सपीरियंस है मुझे, करीब से देखा है मैंने इनको, कोटा को करीब से देखा है और देख रहा हूं। ओके, हाँ चलो, चलिए बेटा, वेरी गुड। तो ये आपने पढ़ लिया, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, आप मेरी बात समझ पाएंगे। ओके, चलिए, तो बेटा कितना फिल्ट्रेशन होता है इस बात को समझ लीजिए कि आपका GFR क्या होता है, यानी कि पर मिनट कितना बेटा फिल्ट्रेशन बाहर निकलता है, तो लिख लीजिए इसके बाद इसमें आगे, GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम अभी कड़वी सच्चाई नहीं समझते हैं। हाँ, वो होता है बेटा 125 ml लिख लो, 120 ml लिख लो, जितना तुम्हें लगे, एनसीईआरटी 125 लिख रखा है पर मिनट, या यही बात वो लिख सकता है बेटा 180 लीटर पर डे। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि 180 लीटर तो हमारा ब्लड ही नहीं है बेटा, वो बार बार सर्कुलेट होता है, बार बार सर्कुलेट होता है, बात आया समझ में? Yes, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए बेटा, ये GFR कितना है आप समझ गए, 125 ml है। ऑल राइट, लेट्स गो फर्दर, आगे चले बेटा, लिख लिया, नोट कर लिया, इसका रेगुलेशन आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, चिंता ना करें। आज जो क्लास होगी ना आपकी 10:30 बजे है, इसके बाद आपकी क्लास 10:30 PM पर है, ठीक है ना, उसमें आ जाइए, रिमेनिंग पोर्शन बेटा मैं आपको वहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, बस इसका रीऑब्जर्प्शन और पढ़ लीजिए, ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन। ओके, चलिए लिखिए नेक्स्ट, थर्ड, ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन, फिल्ट्रेशन इज रीऑब्जर्व
in a renal tubule. Maximum reabsorption occur in PCT. ये भी नीट में काफी पूछा जाता है, occur in PCT. ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पीसीटी के एपिथेलियम में आपको बताता हूं, बेसल ब्रेस्ट बॉर्डर कॉलमर एपिथेलियम में आपको बता चुका हूं. ऑल राइट, क्लियर है बात? चलिए, तो ये आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या कराया मैंने आपको, रीअब्जॉर्प्शन करा दिया ना वैसे एक बार, तो ठीक है, हो गया आपका रीअब्जॉर्प्शन हो गया. ठीक है, हाँ, रीअब्जॉर्प्शन हो गया आपका, और रीअब्जॉर्प्शन कंटिन्यू चल रहा था. ठीक है, लिख लीजिए उसमें कंटिन्यू में चल रहा था, तो मैक्सिमम आपका रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होता है. ठीक है जी, चलिए वापस कहाँ चला जाता है बेटा, ये ब्लड में चला जाता है. वेरी गुड. और हम सब लोग जानते हैं जो पीसीटी में ऑस्मोलरिटी है वही फिल्ट्रेशन में, राइट? तो पीसीटी ऑस्मोलरिटी इज आइसोटोनिक टू फिल्ट्रेशन. ऑल राइट, चलो डन. ओके बेटा, रास मैकेनिज्म में पूरी पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, रास में आपको ही पूरा समझ आ जाएगा. ठीक है, क्लियर बात? और अभी आप स्पेशल क्लास में आएंगे ना 10:30 बजे, तो वहां मैं इसको रिवाइज भी करा दूंगा, डोंट वरी, पूरी टेबल बना के रिवाइज भी करा दूंगा. ठीक है, क्लियर, नोटेड? ओके, चलिए अब बेटा देखो, ट्यूबुलर सीक्रेशन इसका क्या मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपकी रीनल ट्यूब्यूल है. ठीक है, ये आपका ब्लड है यानी कि वासा रेक्टा है. अब ये उल्टा है, इसमें से क्या आएगा, कचरा, वेस्ट मटेरियल या एक्स्ट्रा आयंस, वो इसमें आएंगे. कुछ भी हो सकते हैं बेटा, वो H+, K+, अमोनिया, क्रिएटिनिन, जो भी आप सोच रहे हैं, ये सब हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. एक्स्ट्रा सॉल्ट हो सकता है, NaCl है ना, कुछ भी जो आप सोच रहे हैं, क्लोराइड, सोडियम, जो भी सोच रहे हैं आप, कुछ भी एक्स्ट्रा जो होगा वो वासा रेक्टा यानी कि बेटा ब्लड, ब्लड से वापस फिल्ट्रेट में यानी कि यूरिन में डाल दिया जाएगा. इसे कहते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन. क्या कहते हैं बेटा, ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं. समझ आ गया, क्या हो सकता है ट्यूबुलर सीक्रेशन में, H+, K+, अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, बिला बिला बिला, जो भी आप सोच रहे हैं सब होगा, कोई दिक्कत नहीं. समझ आ गई बेटा बात, बाइल सॉल्ट बिल्कुल होगा, ऑक्सलेट, अमोनिया, सब होगा, डोंट वरी. ओके, ज्यादा आपकी ड्रग है, ड्रग भी चली जाएगी. क्लियर है बात बेटा, ट्यूबुलर सीक्रेशन प्रॉपर समझ आ गया. क्या कह रहे हैं अपन, कि ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा आयंस होगा, एक्स्ट्रा आपने ड्रग खा लिया वो आ जाएगा, एक्स्ट्रा आपने हार्मोन ले लिया, कैटेकोलमिन वगैरह, वो भी आ जाएगा. MBBS का मतलब डॉक्टर बनाने की डिग्री, बैचलर सर्जरी एंड मेडिसिन साइंस. गलत, बहुत गलत लिखा है भाई, इज नॉट फुल फॉर्म ऑफ MBBS. MBBS की फुल फॉर्म बहुत गलत लिखी है तुमने, बैचलर सर्जरी और मेडिकल साइंस नहीं है भाई ये, ऋतिक गलत. MBBS फुल फॉर्म नहीं जानते, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ये होता है MBBS फुल फॉर्म, ना लाइक. डन, चलिए. ओके, चलो बच्चों, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं बेटा मेरी क्लास, आपकी क्लास है अभी. यस, ये रही आपकी क्लास जो मैं अभी लेने जा रहा हूं बेटा. ये देखिए आप, ये आपकी फ्री वाली जो क्लास है, स्पेशल क्लास, ये रही, बिल्कुल तैयार बैठी है क्लास आपके लिए. न्यू हॉट टॉपिक, काउंटर करंट मैकेनिज्म. इसके बाद मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आ जाए. ओके जी, चलिए जल्दी से आइए, 10:30 पर आपसे मिलते हैं. ऑल राइट के, जोरदार बेटा सेशन को लाइक कर दीजिए. इसके आगे जो चैप्टर शुरू होगा, मतलब इसके जस्ट बाद जो टॉपिक है वो है काउंटर करंट, तो वो यहाँ नहीं होगा, वो ऐप में होगा, तो जाओ ऐप में आओ सीधे.
ठीक है ना। हाँ ऐप में आओ, 10:30 ऐप में क्लास है बिल्कुल फ्री। कैसे आना है, सीधा सर्च कर लो रमन सिंह सर्च कर लो, या मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल है, जाओ वहां पर मेरे शेड्यूल में जाओ, क्लास आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री, आ जाइए ठीक है ना, बिल्कुल फ्री है बेटा। नए बच्चे हैं कोड पटेल 10 लगा लो, आ जाइए। ऑल राइट, चलिए सी यू एट 10:30 PM अभी तुरंत, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो माय एकेडमी प्रोफाइल एंड जॉइन मी एट 10:30 PM फॉर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड रास। दोनों को पढ़ाऊंगा बेटा, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, रास भी और काउंटर करंट भी। ओके चलिए, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जिन्होंने लाइक नहीं किया बेटा लाइक कर लो, अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी है। ओके बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से किया करो। ओके बहुत बच्चों का भला होना चाहिए, ठीक है। अगली क्लास बेटा कहाँ है, जल्दी आओ, सिर्फ 24 मिनट के बाद है, 10:30 पर है, जल्दी से आइए, स्पेशल क्लास के अंदर है, ठीक है। ये साफ साफ दिख रहा है, मैं इसमें गो लाइव जाऊंगा, हाँ जल्दी से आ जाइए। ओके वहां पर आप डाउट भी पूछ सकते हैं और आपको प्लस में पढ़ने का मौका मिलेगा, फील आएगा थोड़ा कि प्लस में कैसे पढ़ते हैं। ओके ठीक है, बाय, टेक केयर।